जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें EMF का जो फॉर्मूला E इक्वल टू आपका क्या लगेगा, आपको लगेगा N d∅ by dt, ये आपका लगने का फॉर्मूला, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बोला कि फ्लक्स निकालो phi इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी इंटू ए, बी की वैल्यू आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो दी हुई है 0.025 की दी हुई है, और इंटू एरिया की जगह पे आप एरिया सर्कुलर है रेडियस देखो पाई आर स्क्वायर, तो अभी मैं पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, हाँ मीटर सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सही आपने जो बताया, इसमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो मीटर में चेंज करेंगे। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है 1 mm पर सेकेंड, किसका है कि रेडियस ऑफ लूप इज मेड टू श्रिंक एट ए कॉन्स्टेंट रेट, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है डी आर बाई डी टी जो हो रहा है वो होता है आपका वो गिवन है उसकी वैल्यू 1 mm पर सेकेंड की, तो इसको आप चेंज कर लो, इसको कैसे चेंज करोगे, लिखोगे आप 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 mm ये 10⁻³ होगा या -2 होगा, -3 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो जो देखो नंबर ऑफ टर्न, चूंकि सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, तो एक ही लूप की बात हो रही है, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो आप जब EMF इक्वल टू d∅dt, तो E इक्वल टू आप लिख लो d, और phi की वैल्यू phi इक्वल टू b इंटू a होता है, तो phi इक्वल की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.025 इंटू एरिया pi r स्क्वायर अपॉन में dt, लेकिन जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो आप डिफरेंशिएशन से बाहर कर लोगे, 0.025 यहाँ पे आप लिख लो, मैं ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पे 0.025, ठीक है, इनटू पाई, ये भी कांस्टेंट है, रह गया डिफरेंशिएशन सिर्फ आपको एक वेरिएबल टर्म्स जो रेडियस का है, तो डी आर स्क्वायर बाय डी टी, जिसको आप लिखोगे 0.025 इनटू पाई, और इनटू रेडियस के लिए 2r डी आर बाय डी टी, ये आप लिखोगे, तो अब आपके पास जो वैल्यू है 0.025 इंटू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस की बात करें तो रेडियस आपके पास आपने देखा 2 cm, दैट मीन्स 2 × 10⁻², और इंटू डी आर बाई डी टी 10⁻³, ये सारी वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो देखो 10⁻², 10⁻³, ये सारी जब वैल्यू दी हुई है तो आप यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, अगर आप डेसिमल हटाओगे यहाँ से, देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो ये 1000 और ये 10⁻³ कैंसिल हो रहा है, और 10⁻² भी है, तो 10⁻² और सारे पार्ट्स जो बचे हुए हैं आप कैंसिल करके देखो तो आपके पास कितना बचेगा, ये लगभग आएगा आपको पाई, ठीक है ना, पाई और 25 × 4 = 100 हो जाएगा, तो पाई माइक्रो कूलम की वैल्यू यहाँ पे माइक्रो वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल निकाल रही है, EMF निकाला जा रहा है, तो माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट की वैल्यू आ रही है, जो कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए है,